नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पर दोस्तों हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं वेस्टर्न टॉयलेट के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि वेस्टर्न टॉयलेट को अक्सर लोग ढंग से यूज़ नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग इसको इंग्लिश टॉयलेट भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको अपनी अपनी भाषा में नोट करते हैं, अपने तरीके से नोट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। बट आज भी बहुत बार वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ करते टाइम पे लोग बहुत गलत तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्टर्न टॉयलेट जो है आप एक सही तरीके से यूज़ करें। क्योंकि दोस्तों गलत तरीके से यूज़ करने के कारण आपको दिक्कत आ सकती है, आपको चोट लग सकती है, आपको बीमारियाँ हो सकती हैं, तो इस कारण से वेस्टर्न टॉयलेट सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत नॉलेजफुल होने वाली है। मैं जानता हूँ कि हमारा जो चैनल है वो इस टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ नहीं आती है, हमारा चैनल जो आती है अक्सर घर बनाने से जुड़ी हुई या वास्तु से रिलेटेड। तो दोस्तों लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको घर बनाने से जुड़ी हुई, वास्तु से रिलेटेड प्लस घर से जुड़ी हुई नॉलेज ही दूं मैं। तो इसलिए दोस्तों ये वीडियो जो है आपके लिए तब भी नॉलेजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अगर आपको नहीं पता है वेस्टर्न टॉयलेट कैसे यूज करते हैं तो आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो मैं चलता हूं आपको वेस्टर्न टॉयलेट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे चाहूंगा कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल कलर बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दिया, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की जो भी नॉलेजफुल वीडियो है जो भी हमारे चैनल पर आती है घर बनाने जुड़ी हुई वास्तु से रिलेटेड, उन सभी का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा। क्योंकि दोस्तों मैं बहुत बार होता है कि आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करते हो, उन सभी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है आप तक, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला आप सभी के लिए ये वीडियो भी। मैं घर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो डालता हूं मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो और जाकर के जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। चलिए मैं सीधा आपको आता हूं टॉपिक के ऊपर और सीधा मैं लेकर चलता हूं वेस्टर्न टॉयलेट के पास और वहां बताता हूं कि उसको कैसे यूज करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं। जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये एक वेस्टर्न टॉयलेट है, यहाँ पे ये कमोड है और ये आपका शावर है, और इस हिसाब से दोस्तों ये वेस्टर्न टॉयलेट होता है। और इसमें कई तरह के वेरिएंट आते हैं, इसमें एक वॉल माउंटेड आता है, एक फ्लोर माउंटेड आता है। वॉल माउंटेड में फ़र्क ये होता है कि जो उसकी टैंकी होती है वो वॉल के अंदर होती है, जो पानी की टैंकी फ्लश टैंकी होती है वो वॉल के अंदर होती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 4 इंच का गैप अलग से निकाला गया है, वो इसलिए निकाला गया है कि उसकी टैंक है वो इसके अंदर वॉल के अंदर इंस्टॉल किया जा सके। तो ये हो गया वेस्टर्न टॉयलेट। और जो आपका फ्लोर माउंटेड होता है उसमें बहुत बार क्या होता है कि टैंक जो होती है वो बाहर की तरफ होती है, वो आप बाहर से ही फ्लश टैंक को यूज़ कर सकते हो। मगर ये जो है वॉल माउंटेड है और ये आप इसमें कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, वॉल माउंटेड फ्लोर माउंटेड में इनके बीच में डिफरेंस भी मेरे चैनल पर वीडियोज़ हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। अब बात ऐसा है कि आप इसको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले कि आप जैसे कि कमोड देख रहे हो, ये उसके ऊपर से कवर है और इस कवर को हम हटाएंगे यहाँ से। अब कवर हटाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर एक और ये प्लास्टिक कवर होता है, इसको भी आप हटा सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आप ये वॉशरूम देख रहे हो। अब इसको बहुत बार क्या होता है, लोग इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, चढ़ के मतलब कि इसके ऊपर पाँव रख के बैठते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। ऐसे में आपको आप गिरोगे नीचे तो चोट लग सकती है और बहुत ज़्यादा डर रहता है इसमें, ऐसे में कि आप इससे नीचे गिर जाओ और आपको चोट लग जाए। तो ऐसे में आपको कभी भी इसके ऊपर चढ़ के नहीं बैठना है। प्लस बहुत बार क्या होता है कि लोग डायरेक्टली इसके ऊपर बैठते हैं, वैसे बैठ सकते हैं इसके ऊपर भी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि हम इसके ऊपर डायरेक्टली जो आदमी होते हैं खासकर वो खड़े होकर के एक नंबर करते हैं, तो एक नंबर करने के कारण इसके ऊपर बहुत बार क्या होता है, पेशाब का छींटा या एक नंबर यूरिन का जो छींट है वो आपके चारों तरफ फैल जाती है, और फैलने के कारण जब आप डायरेक्टली इसके ऊपर बैठते हो तो ढंग से साफ़ नहीं हो पाता है पानी से, और वो आपके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आता है और आपको हार्मफुल बीमारियाँ इस कारण से हो सकती हैं। लेकिन आप इसको डायरेक्ट फिर कैसे यूज़ करोगे, आप इसको हमेशा जो यूज़ करोगे ये जो आपका प्लास्टिक कवर है इसको आप ऐसे डाउन करने के बाद इसके ऊपर बैठ सकते हो आप। अब मैं इसको डायरेक्टली यूज़ करना बताऊँ। अब इसमें क्या होता है कि दोस्तों ये तीन चीज़ अटैच होती है यहाँ पे, या आपने जैसे कि ये कमोड देखा, कमोड के साथ आपका ये कवर हो गया, कवर के साथ आपका दोस्तों आप जैसे कि ये फ्लश देख रहे हो, ये फ्लश में दोस्तों ये पानी, अब पानी का स्पीड इसमें पानी होता है, इस पानी किस लिए होता है दोस्तों, इसमें धोने के लिए। अब इसको आप जितना तेज़ दबाओगे उतनी तेज़ स्पीड से इसमें पानी आएगा और इस हिसाब से आप इसको धोने के लिए यूज़ कर सकते हो। प्लस अब इसमें एक सिस्टम और होता है कि आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे सिस्टम दिया गया है, और सिस्टम से अगर इसको आप दबाते हो तो वहाँ पे आप देख सकते हो पानी निकल रहा है। अब जब भी आप दो नंबर करते हो उसके ऊपर बैठ करके, तो आप करने के बाद दो नंबर करने के बाद आप क्या करोगे, जब आपको वॉश करना है तो वॉश करने के टाइम पे आप अपने आप को एडजस्ट करोगे और इससे भी अपने आपको आप वॉश कर सकते हो। प्लस
आप एक नंबर करते हो तो यहाँ पे आपको फ्लश जरूर करें, एक नंबर करें चाहे दो नंबर करें, फ्लश जरूर करें हमेशा। फ्लश करने से होता है कि ये साफ रहता है हमेशा। और फ्लश करने के लिए आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फ्लश टैंक में ये दो बटन दिए गए हैं। अब ये दो बटन जो हैं आपके, ये दो बटन में एक छोटा बटन है एक बड़ा बटन है। अब छोटा बटन बड़े बटन में यूज़ कैसे करना है, तो छोटा बटन जो है आपका, ये आपका जब भी आप एक नंबर करते हो तो ये छोटा बटन आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक छोटा बटन से आपको फ्लश करने पे क्या होगा, कम पानी निकलता है और पॉश हो जाता है, क्योंकि एक नंबर में ज़्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप दो नंबर करते हो तो यहाँ पे आप इस बड़े बटन को फ्लश करोगे, दबाओगे तो यहाँ पे आपका पानी उस हिसाब से निकलेगा। आप दूसरे बड़े बटन को फ्लश करेंगे तो ये ज़्यादा पानी इसमें निकलता है, तो ये आप देख सकते हो। अब देख लेते हैं इसको यूज़ कैसे करना है। अब दोस्तों आपको यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे जब भी आप इस टॉयलेट के पास आते हो तो उसके बाद आपको हमेशा ये डाउन करना। अगर आप एक नंबर आप कर रहे हो तो बहुत बार क्या होता है लोग खड़े खड़े कर लेते हैं, तो खड़े खड़े कर लेते हैं तो उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ से इसको दबा के फ्लश करना है। और फिर उसके बाद बहुत बार छींटे जो पड़ते हैं उसको आप इससे साफ़ कर सकते हो। तो जो बैठ के करते हैं उनके लिए खासकर, और जो खड़े होकर करते हैं उनके लिए खासकर। अगर आप खड़े होकर करते हो तो उस सीट पे आप डायरेक्टली कभी बैठोगे नहीं, क्योंकि बैठोगे तो आपको आपके लिए वो हार्मफुल है, और हार्मफुल होने के साथ साथ आपको आगे होने वाले टाइम पे कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं स्किन से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों जो आपने टॉयलेट किया, आपने जो एक नंबर किया, वो उसके छींटे जो कुछ पड़ते हो डायरेक्टली पानी से तो साफ होते नहीं है, तो उसमें अगर आप हमेशा आप साफ नहीं कर पाओगे तो ऐसे में आपको हमेशा इसको डाउन करना है। और डाउन करने के बाद आप इसके ऊपर इस तरह से आप बैठ सकते हो। इस तरह से आप बैठने के बाद आराम से आपने एक नंबर चाहे दो नंबर आपको जो करना है वो कर सकते हो। आपका मान लीजिए कि दो नंबर किया आपने, आपको आपका हो गया है, तो आप चाहें तो जैसे कि मैंने बताया था कि इसको दबा करके यहाँ के पानी इसको जैसे दबाएंगे तो ये पानी का प्रेशर आएगा और ये आप पीछे से आपका वॉश हो जाएगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा बैठने के लिए। लेकिन लेकिन बहुत बार लोग इससे धोना पसंद नहीं करते हैं, तो ऐसे में आप शावर ले सकते हो। ये शावर वाला जो आता है, इसमें इस पानी अपने हिसाब से प्रेशर आता है पानी का, फिर उस हिसाब से आपको तेज प्रेशर में कम प्रेशर में आप आराम से इसको ऐसे करके आप अपने हाथ नीचे करके अपना धो सकते हो। फिर आप आराम से इसमें इसको रखिए, रखने के बाद अपना उठ के उसके बाद आप कभी भी फ्लश करना बिल्कुल भी ना भूलें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत बार लोग फ्लश नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा गलत है। अब बहुत बार क्या करते हैं लोग कि इसमें इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं, वो बहुत बार लोग क्या करेंगे कि इसके ऊपर चढ़ के बैठ जाएंगे। उसके ऊपर चढ़ कैसे बैठते हैं दोस्तों, इसके ऊपर चढ़ के लोग कुछ इस हिसाब से बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इस हिसाब से कभी नहीं बैठ, ऐसे में आप आगे गिर सकते हो, चोट लग सकती है आपको। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इसके ऊपर चढ़ के नहीं बैठें। प्लस जो ये कमोड होता है दोस्तों, ये इतना मजबूत नहीं होता है, जिस कारण से कि ये टूट भी सकता है, ये ख़राब भी हो सकता है। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसके चढ़ के ऊपर कभी नहीं बैठें। तो ये छोटी सी वीडियो थी नॉलेजफुल दोस्तों, कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। हो सकता है कि आप लोग मजाक बनाएं कुछ बनाएं, पर ये नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको सही तरीके से इंग्लिश टॉयलेट यूज़ कैसे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलते हैं अगली और एक बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।